हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ अपने ब्रेकफास्ट शॉट्स और कुछ लंच थाली और कुछ अपने डिनर शॉट्स शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैं कर रही हूँ चावल के आटे का चीला, जिसमें कि मैंने सिर्फ हरी सब्जी, जिसमें कि मैंने कैप्सिकम और गाजर डाली और थोड़ा सा प्याज काट के डाला है और बेसिक से मसाले मिलाए हैं और साथ में काली मिर्च डाली है, लाल मिर्च नहीं डाली है, और थोड़ा सा मसाला है इसमें हरा धनिया। और बहुत ही इजीली, बहुत ही कम तेल में ये रेसिपी बन जाती है। और दो आलू भी मैश करके डाले हैं, जिससे कि इसका टेस्ट थोड़ा सा एनहेंस हो गया है। इस वाले चीले को खाने का और इस पैनकेक को खाने का जो मज़ा है ना, वो सॉस के साथ सबसे ज़्यादा आता है। और ये एक और लंच थाली मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बेसिकली लंच थाली नहीं है, ये हमारे व्रत की थाली है। सोमवार का व्रत भी था और हमारे यहाँ हरेला का त्यौहार भी था, तो हमारे यहाँ के हर त्यौहार में हम लोग मीठे पुए ज़रूर बनाते हैं और बड़े बनाते हैं उड़द की दाल के। तो मैंने क्या क्या पकवान बनाए ये देखिए। मैंने बनाई आलू टमाटर की सब्ज़ी, बूंदी का रायता, एकदम सात्विक थाली है ये। और उसमें मैंने अनार डाला है, रायते में अगर अनार मिलता है तो मुझे बहुत मज़ा आता है। चावल की खीर है, चावल की खीर की गार्निशिंग हुई है पिस्ते के साथ। साथ में बनाई हैं कुछ पूरियाँ, कुछ क्या मतलब पेट भरने के लिए पूरियाँ बनाई हैं, क्योंकि भूख भी लगी है। और ये हैं उड़द की दाल के बड़े, जो कि बहुत शुभ माने जाते हैं हमारे यहाँ हर त्यौहार में, हर शुभ काम में सबसे पहले यही बनाए जाते हैं। इनको भिगो दिया जाता है पीस कर, फिर पुए की तरह पकौड़े की तरह इनको तल दिया जाता है। और साथ में है ये मीठे पुए, जो कि चीनी और आधी सूजी आधा आटा मिला के बनाए जाते हैं, और थोड़ा सा उसमें वेजिटेबल ऑयल भी ऐड किया जाता है। और ये एक और दिन के आपके साथ मैं अपनी ब्रेकफास्ट थाली शेयर कर रही, ब्रेकफास्ट प्लेट, जिसमें कि मैंने बेसन का चीला बनाया है। इसमें कोई मैंने प्याज को ऐड नहीं किया है, बस थोड़ा सा मसाले डाले बेसिक से हेल्दी बनाए रखने के लिए। बहुत ही कम ऑयल में बन गया है ये और बहुत टेस्टी भी है खाने में, और हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट है, हमको पूरा दिन पेट को फुल रखेगा। साथ में बनाई है मैंने मीठी लस्सी, कभी मैं मैंगो शेक बनाती हूँ ब्रेकफास्ट में, कभी मीठी लस्सी, कभी नमकीन लस्सी, इस तरह से कुछ ना कुछ चेंज करती रहती हूँ। और इस तरह का हेल्दी ब्रेकफास्ट हम प्रेफर करते हैं घर पर खाना। चटनी के साथ एंजॉय करना तो कीजिए, नहीं तो आप सॉस के साथ एंजॉय कीजिए। ये जो मैं आपको चीला दिखा रही हूँ, ये मैं इसी का दिखा रही हूँ बेसन का, जिसमें कि मैं ये थोड़ा सा काली मिर्च को स्प्रिंकल कर रही हूँ और थोड़ा दबा दबा के पका रही हूँ, ताकि ये कच्चा ना रहे। और ये हेल्दी भी है, हाई प्रोटीन वाला भी है, और जो लोग डाइट पर हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। उनको थोड़ा सा पूरा दिन भर फुल भी फील होगा, थोड़ा हेल्दी भी फील करेंगे वो। बस इस तरह का ब्रेकफास्ट मेरा बनता है। और एक ये अनदर डे का मैं आपके साथ एक ब्रेकफास्ट शेयर कर रही हूँ, जो कि सबसे ईजी लगता है मुझे बनाना। ये वर्मीसेली नमकीन सेवई, जिसमें मैंने दो टाइप की ली है, क्योंकि मेरे पास एक टाइप की पूरी सफिशिएंट नहीं थी। एक ली मैंने सेवर की और एक थी मेरे पास बैम्बिनो की। अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे बैम्बिनो ज़्यादा बेटर लगा। बस उनको ड्राई रोस्ट किया, इसलिए ड्राई रोस्ट किया क्योंकि स्टार्च बहुत होता है, जो रोस्टेड होती है उसमें भी स्टार्च होता है। फिर पानी में इनको हल्का सा बॉयल कर लिया और स्ट्रेन कर लिया, ठंडे पानी को और डाल दिया ताकि बिल्कुल चिपके ना आपस में। कढ़ाई में डाला है मैंने देसी घी, उसमें एक बड़ा प्याज चॉप किया हुआ डाला, थोड़ी सी हरी मिर्च डाली, और सब्ज़ियाँ मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे सब्ज़ी डालना को पसंद नहीं करते। बस ये दोनों चीज़ें जब मेरी फ्राई हो जाएंगी तो फिर मैं इसमें बेसिक से सारे मसाले ऐड करूँगी और साथ में इसमें सब्ज़ी मसाला ऐड करूँगी, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, और प्लीज़ वॉच, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। बस सारे मसाले डाले, उसके बाद खिली खिली सेवें डाली, आपको पानी ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लास्ट में आप अपना मनपसंद मैगी मसाला भी डाल सकते हैं, ऐड कीजिए और इन्जॉय कीजिए। ये एक अनदर डे का टिफिन लंच ब्रेकफास्ट है, सॉरी नाश्ता है, जिसमें कि मैंने बनाया पोहा। इसमें मूंगफली के दाने इसलिए नहीं डाले क्योंकि अवेलेबल नहीं थे, और कड़ी पत्ता तो मेरे किचन गार्डन में ढेर सारा हो रहा है। बाय बाय, आई होप आपको